छोटा मोटा खेल तो चलता रहेगा डिमांड सप्लाई का, तो इससे आप ना घबराएं। 2-3 रुपए के लिए आप जो है अपने सुकून को और अपने जो है वो उसको डिले ना करें। अगर आपने इंस्टॉलेशन करवानी है और बिजली से आपने बिजली के बिल से जान छुड़ानी है और आपने गर्मी से जान छुड़ानी है तो आप आज ही फैसला करें और अपने घर में सोलर जरूर लगवाएं। तारीख की कम तरीन सतह पे काफी टाइम से मौजूद है और अभी कोई टैक्स भी नहीं लगे तो ये बहुत अच्छा मौका है बाइंग करने का। एक साल पहले जो 90 रुपए पर वाट था ऐसे ही था, 90 रुपए 85 रुपए पर वाट मिल रहा था, इसको मेरे से 40 से 40, 41, 42 इस तरह मिल रहा रेट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल वोल्ट्रॉनिक पावर जो चाइना बेस्ड कंपनी है, ताइवान में उसका हेड ऑफिस है, ये कंपनी के जो मदरबोर्ड होता है जी, मदरबोर्ड जो मेन इसका है, बाकी पैकेजिंग जो व्हाइट लेबलिंग और OEMs के थ्रू ये सारी कंपनी उस ब्रांड को यहाँ पे लेके आती है। कम से कम जो सिस्टम लगता है वो 1 किलोवाट का भी लगता है। 1 किलोवाट का सिस्टम में जो कॉस्ट आती है कस्टमर की, वो कम से कम भी अगर वो हल्का इन्वर्टर लगाते हैं या हल्के से मुराद जो सस्ती कैटेगरी में इन्वर्टर आते हैं इन्वर्टर वगैरह के अलावा तो वो लगाते हैं, तो 1,20,000 से 1.5 लाख तक की कॉस्ट उनको 1 किलोवाट में कम से कम पड़ती है। देखिए इन्वर्टर की भी मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। इन्वर्टर में सिर्फ इन्वर्टर ही इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर भी जो है वो वोल्ट्रॉनिक पावर का मदरबोर्ड लगाता है। ठीक है। और जो दूसरी कंपनीज है जो वोल्ट्रॉनिक पावर का मदरबोर्ड इस्तेमाल करती हैं उसमें क्राउन भी है और उसके अंदर डॉन्चिंग भी है, उसके अंदर अपना मैक्स पावर भी है, सोलर मैक्स भी है। मेरे पास देखिए जे भी मौजूद होता है, ट्रीना होता है, ट्रीना भी रखते हैं। हम मार्केट में किसी भी ब्रांड की मोनोपोली नहीं होने देते, जैसे जिनको और लॉन्जी इनको बहुत ज्यादा यूट्यूब के थ्रू हाइप मिल जाती है, कस्टमर बना हुआ है जी, कस्टमर सुन के इन्हीं को आता है इन्हीं को पूछता है, जबकि हमें टेक्निकल तौर पे हमें पता होता है कि इनमें और दूसरी चीजों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो हम कस्टमर को चाहते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन दें और अपने बाप भी सही चीज रखें। अस्सलाम वालेकुम अजलान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अजलान? खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र आपका। अजलान भाई, गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा हो चुकी है और लोड शेडिंग भी बदतरीन इसमें हो रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, और बिजली की कीमतें भी बहुत ज्यादा है, और जो अल्टरनेट सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो बेहतरीन सोल्यूशन रह गया एक बार की इन्वेस्टमेंट वो है सोलर सिस्टम। बिल्कुल, आपके पास आने का मकसद यही, हम पहले भी मुतअद्दिद बार आपके पास आ चुके हैं कि सोलर पैनल की कीमतों के हवाले से और कौन कौन सी क्वालिटी के आपके पास सोलर पैनल होते हैं, तो सबसे पहले अपनी शॉप का तारुफ करा दीजिए पहले। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि ये AGS सोलर है जो कि सदर में सब लोकेटेड है हमारी शॉप, और इसके अलावा हम जो है वो लकी वन की लाइन में ब्लॉक 21 गुलशन अमीन में भी हमारा शोरूम है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बिल्कुल आपने सही किया कहा कि जो है गर्मी इस वक्त बहुत बढ़ गई है और बिजली के बिलों में भी इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। और ईद के बाद से हमने भी काफ़ी रश देखा है, बाकायदा महसूस किया है कि हमारे पास भी एक लम्हे की फुर्सत नहीं है, क्योंकि जोग दर जोग कस्टमर आते जा रहे हैं और हर कस्टमर की यही ख्वाहिश है कि उनको एक तो AC चलाने को मिले और दूसरा जो है उनकी बिजली का बिल जो है वो बिल्कुल कम हो जाए या बिल्कुल कह सकते हैं फ्री हो जाए। ठीक हो गया, सही। तो लोगों ने इस दफा कुर्बानी के पैसे बचा के भी इस दफा कोशिश ये करी है कि वो जो है वो सोलर इंस्टॉल करें और सोलर लगाएं ताकि उनकी एक दफा लगाने के बाद जान सके। तो मार्केट की ताजा तरीन जो सूरत है वो बताइए क्या इस वक्त, क्योंकि इस वक्त मार्केट में स्टॉक सुना है कि भरपूर आ चुका है एक बार फिर, और बजट में जो टैक्स का जो खतरा था टैक्स लगने का वो भी नहीं लगा। ठीक है, एक और चीज़ ये भी थी कि जखीरा अंदोज जो है उन्होंने ठीक ठाक माल जो है स्टॉक कर लिया, इसी वजह से टैक्स लगे तो हम अपनी मर्जी के रेट देते हैं, लेकिन हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया सोलर पे, तो कीमतें इस वक्त मुस्तकिम है। तो ये बताइए कि इस वक्त मार्केट की सूरत बताइए और क्या मतलब क्या इस वक्त खरीदना सिस्टम सोलर सिस्टम कैसा रहेगा इस वक्त बताइए भाई। देखिए जितने भी स्टॉकिस्ट थे और जितने भी प्रेडिक्शन करने वाले लोग थे उन सबकी प्रेडिक्शन धरी की धरी रह गई, क्योंकि सबका यही था कि टैक्स लगेगा और जो है टैक्स लगाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी, जबकि ये एक सबकी प्रेडिक्शन ही थी जो कि बिल्कुल गलत साबित हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो रेट थे उसमें भी काफ़ी जो है वो स्टेबल अब रेट हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि रेट इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन अब देखने को मिलेगी, ये एक स्टेबल रेट आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि देखें ये बात तो आप झुटला नहीं सकते कि जो मार्केट में डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और जो रेट प्राइस जो बुल होती है वो डिमांड की वजह से बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कितना भी जो है वो मार्केट में हम सप्लाई जितनी भी ज़्यादा हो लेकिन जब डिमांड बढ़ती है तो वो सप्लाई भी कम पड़ जाती है, क्योंकि कराची कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, यहाँ पर लोगों की डिमांड भी कम नहीं है और हर बंदा जो है वो चाहता है कि घर पर AC लगाए, तो जब कस्टमर बाइंग के लिए निकलता है तो वो जितने भी सप्लाई हो और जितने भी सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल हो उनकी शॉर्टेज हो जाती है किसी ना किसी हद तक, तो दोबारा माल आता है, दोबारा उनकी डिमांड को पूरा किया जाता है, तो ये पूरा प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो इस प्रोसेस में रेटों में 2-3 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है अगर आप ओवरऑल सिस्टम को मद्देनजर रखें, क्योंकि आप सिर्फ पैनल से चीज़ को जज कर रहे होते हैं, जबकि ओवरऑल प्राइस भी काफ़ी ऊपर जाती है। जैसे कि आप इन्वर्टर लेते हैं तो इन्वर्टर में भी अगर शॉर्टेज हो जाती है तो उनकी भी प्राइस 10-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये ब्लैक में
इन्वर्टर जो है वो महंगे बिके हैं अभी पिछले दिनों इन्वरेक्स के, क्योंकि उनके पास जो था वो माल शॉर्ट हो गया हर आउटलेट पे जो था। उनका यही कहना था कि अगले हफ्ते माल मिलेगा, अगले हफ्ते मिलेगा, जिसकी वजह से हमें भी काफ़ी कस्टमरों को ना कहनी पड़ी। और इसके अलावा माल शॉर्ट होने की वजह से जिनके पास जो स्टॉकिस्ट थे उन्होंने माल 50-50 हज़ार रुपये तक महंगा बेचा है इन्वरेक्स का, जो नाइट्रॉक सीरीज थी और दूसरी मुख्तलिफ जो उसकी टॉप की प्रीमियम सीरीज है। तो ये तो मार्केट के चलता रहता है मार्केट में। कस्टमर को चाहिए कि इन चीज़ों से अपने उसको जज ना करे मार्केट को और सोलर को। ये तो देखिए छोटी मोटी चीज़ें हर मार्केट में होती है, वो हर बंदे की नज़र इस मार्केट पर इसलिए होती है क्योंकि एक ये नई चीज़ है। ऐसा हर जगह होगा, जहाँ पर भी डिमांड ज़्यादा होगी, जहाँ पर भी सप्लाई ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर ये छोटा मोटा खेल तो चलता रहेगा डिमांड सप्लाई का। तो इससे आप ना घबराएं, 2-3 रुपए के लिए आप जो है अपने सुकून को और अपने जो है वो उसको डिले ना करें। अगर आपने इंस्टॉलेशन करवानी है और बिजली से आपने बिजली के बिल से जान छुड़ानी है और आपने गर्मी से जान छुड़ानी है, तो आप आज ही फैसला करें और अपने घर में सोलर जरूर लगवाएं। मतलब इससे बेहतरीन वक्त शायद दोबारा ना आए, क्योंकि जी जी बिल्कुल, क्योंकि तारीख की कमतरीन सतह पर इस वक्त मौजूद है, 16 तारीख की कमतरीन सतह पर काफी टाइम से मौजूद है और अभी कोई टैक्स भी नहीं लगे, तो ये बहुत अच्छा मौका है बाइंग करने का। एक साल पहले जो 90 रुपए पर वाट था ऐसे ही था, 90 रुपए 85 रुपए पर वाट मिल रहा था, इस वक्त मेरे से 40 से 40, 41, 42 इस तरह मिल रहा रेट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। कुछ नई कंपनियां भी लॉन्च हो रही है, इसके बारे में बताया जरा कि क्या मतलब वो कंपनियां सही है या मतलब किस वाले सही है, कोई भी एक ग्रेड डॉक्यूमेंट्स वाली है। देखिए मुख्तलिफ कस्टमर आते हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज की डिमांड करते हैं, जिनको लॉन्जी और जे कैनेडियन इनके अलावा आपको तमाम बता दूँ की देखिए जिनको लॉन्जी के अलावा भी और कंपनीज है। कस्टमर समझते सिर्फ जिनको लॉन्जी है, क्योंकि देखिए जिसके पास जो माल होता है ना वो सिर्फ वही दिखाता है और उसी माल उसी पैनल को डिस्प्ले करने में उन्हीं कंपनीज के पैनल को डिस्प्ले करता है और उसी की तारीफ करेगा वो। कुछ कंपनी ऐसी जैसे कैनेडियन हो गया, कैनेडियन अक्सर शॉर्ट रहता है, लेकिन कैनेडियन मेरी नजर में सबसे बेस्ट पैनल है जो कि टॉपकॉन पे काम कर रहा है। अभी जिनको का भी जो नया मॉड्यूल आएगा वो उन्होंने भी अपना जो है वो पल से हटके टॉपकॉन पे उन्होंने भी काम करना है। जो अभी हाइमो 9 आना है मार्केट में उसके ऊपर भी काम जा रही है, फ्रांस में वो टेस्ट हो रहा है, 24.75 उसकी एफिशिएंसी रिकॉर्ड की गई है। उनको भी कम से कम स्पेस लेके ज्यादा से ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो भी कोशिश में है। ये सारे ही पैनल, इसके अलावा जे हो गया, ट्रीना का वर्टेक्स हो गया, ये सारे ही जो पांचों कंपनियां हैं जिनको जे ट्रीना लॉजी, इन तमाम कंपनियों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इनके आपको टेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है आप इनके पीछे इनकी वोल्टेज और इंपेडेंस चेक करें, इनके ऊपर जो बदबास की क्वांटिटी होती है वो चेक करें, जिस टेक्नोलॉजी पे काम करके, पर पे काम करके, एचजेटी पे काम करके, टॉपकॉन पे काम करके या ट्राई ऑन पे काम, जिस पे भी काम करके ये लोग जो है वो बना रहे हैं पैनल, वो चीज़ें आप जरूर देखें, तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा पैनल अच्छा है कौन सा बुरा है। डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर आते हैं मार्केट में, वो डिफरेंट टाइप्स के किलोवाट के सिस्टम की कीमतें पूछते हैं, तो उनको नहीं पता है, तो एक आम कस्टमर के हवाले से तो उसके हवाले से जरा बताइएगा कि क्या कितने किलोवाट की कितनी क्या कॉस्ट आती है, जरा बताइए। कम से कम जो सिस्टम लगता है वो 1 किलोवाट का भी लगता है, 1 किलोवाट का सिस्टम में जो कॉस्ट आती है कस्टमर की, वो कम से कम भी अगर वो हल्का इन्वर्टर लगाते हैं या हल्के से मुराद जो सस्ती कैटेगरी में इन्वर्टर आते हैं इन्वर्टर वगैरह के अलावा तो वो लगाते हैं, तो 1,20,000 से 1,50,000 तक की कॉस्ट उनको 1 किलोवाट में कम से कम पड़ती है। 1,20,000 रुपये, 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक की कॉस्ट वेरी करती है, वो उसके ऊपर है कि वो कौन सी चीज़ें लगा रहे हैं, अगर वो इन्वर्टर थोड़ा इंस्टॉलेशन वगैरह सब समेत, जी इंस्टॉलेशन समेत। और इसी के अलावा मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं करता हूँ कम से कम भी आप 2.5 से 3 किलोवाट का सिस्टम लगाएं, कम से कम मिनिमम, कम से कम मिनिमम आप लगाएं जो कि 3.5 से 4.5 लाख तक के दरमियान कॉस्ट करता है। 2.5 किलोवाट का लगाएंगे तो वो आपको पड़ेगा 3.5 लाख का, और अगर आप जाते हैं 3 से 3.5 किलोवाट तक तो आपको 4.5 लाख तक का पड़ेगा। इसके अलावा जो ज़्यादातर हमारे पास कस्टमर आते हैं वो 6 किलोवाट की उनकी नीड होती है, क्योंकि उन्होंने एक एसी भी चलाना होता है एक से रिटर्न का, और उसके अलावा वो चाहते हैं घर के तमाम पंखे, और एक जो छोटा घर होता है उसके पंखे, लाइटें, फ्रिज वगैरह, तमाम पूरा घर का एक सिस्टम चले जो कि नॉर्मल एक छोटी फैमिली का घर होता है, तो उनके लिए जो पैकेज होता है वो 9 लाख से 9.5 लाख तक में तमाम चीज़ें उसमें बैटरी के साथ अच्छा सिस्टम लगाया जाता है 9.5 लाख रुपये का, 6 किलोवाट का सिस्टम, उसमें अच्छा वाला इन्वर्टर यूज़ किए जाते हैं। जो कि देखिए इन्वर्टर की भी मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ, जी जी, इन्वर्टर में सिर्फ इन्वरेक्स ही इन्वर्टर नहीं है, इन्वरेक्स भी जो है वो वोल्ट्रॉनिक पावर का मदरबोर्ड लगाता है, ठीक है, और जो दूसरी कंपनीज है जो वोल्ट्रॉनिक पावर का मदरबोर्ड इस्तेमाल करती है उसमें क्राउन भी है और उसके अंदर डॉन्जिंग भी है, उसके अंदर अपना मैक्स पावर भी है, सोलर मैक्स भी है और टेस्ला भी है। टेस्ला इस वक्त मार्केट से होकर शॉर्ट है, ठीक है, लेकिन वो भी बेस्ट इन्वर्टर है।
तो आप इनमें से कोई भी इन्वर्टर लेंगे तो आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि इसमें वोल्टोनिक पावर का मदरबोर्ड है। जी जी जी, ये दोबारा बताइएगा कौन सा पावर, बताइए दोबारा क्या। वोल्टोनिक पावर जो चाइना बेस्ड कंपनी है, ताइवान में उसका हेड ऑफिस है, ये कंपनी के जो मदरबोर्ड होता है, जी मदरबोर्ड जो मेन इसका है, बाकी पैकेजिंग जो व्हाइट लेबलिंग और ओएएम्स के थ्रू ये सारी कंपनी उस ब्रांड को यहाँ पे लेके आती है, जबकि इनके अंदर जो रेगुलेटरी कार्ड और मदरबोर्ड होता है वो सब वोल्टोनिक पावर का होता है। तो उन्हीं कंपनीज को मैं रेकमेंड करता हूँ, जिन कंपनीज में वो इंस्टॉल नहीं है, वो मार्केट में फेल भी है और उनका जो है वो काफी बुरा हाल है उन कंपनीज का, क्योंकि उनकी जो है वो मेरे पास भी, मैंने उन कंपनीज के जब इंस्टॉल किए तो एक एक इन्वर्टर साल में तीन तीन दफा मेरे पास वापस आया है। ठीक है ठीक है। तो मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जैसे कि क्रोनस हो गई, जूनिक हो गई, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। तो इन कंपनीज में थोड़ी इनको अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है, जो कि दूसरी कंपनीज है, क्राउन हो गया, इन्वर्ट डॉन्चिंग हो गई, और इसके अलावा टेस्ला हो गई, सोलर मैक्स, मैक्स पावर, ये बहुत अच्छी कंपनीज है जो उस वक्त मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है हाइब्रिड के अंदर, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स के अंदर। ठीक है, तो ये बताइए कि इस वक्त करंट रेट्स बता दें आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है और करंट रेट्स इस वक्त क्या है मार्केट। ठीक है, मेरे पास तो इस वक्त तमाम ही चीजें अवेलेबल होती हैं, आप वीडियो कब डालेंगे ये डिपेंड करता है उस बाद कस्टमर से, मेरी माजरत है, जब रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं, जब उनकी कॉल आती है और इस हवाले से फिर वो पूछते हैं कि आपने तो कहा था कि आपके पास मौजूद है और स्टॉक खत्म हो चुका होता है, तो उनके लिए माजरत। तो हमारे पास देखिए जे भी मौजूद होता है, ट्रीना होता है, तो हम ट्रीना भी रखते हैं, हम मार्केट में किसी भी ब्रांड की मोनोपोली नहीं होने देते, जैसे जिनको और लॉन्जी इनको बहुत ज्यादा यूट्यूब के थ्रू हाइप मिल जाती है, कस्टमर बना हुआ है, कस्टमर सुन के इन्हीं को आता है, इन्हीं को पूछता है, जबकि हमें टेक्निकल तौर पर हमें पता होता है कि इनमें और दूसरी चीजों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो हम कस्टमर को चाहते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन दें और अपने बाद भी सही चीज रखें। अगर लोग इन्हीं दो पैनल्स के पीछे भाग रहे हैं, अगर कोई ब्रांड गलत तरीके से प्रमोट होके और वो फिर उसकी डिमांड हाई होने की वजह से उसके रेट ऊपर जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको कम से कम रखा जाए और दूसरे ब्रांड जो उसी की टक्कर के हैं उनका माल भी लाया जाए और कस्टमर को वो भी रिकमेंड किया जाए, ताकि कस्टमर उनको भी परचेज करें और कस्टमर की जेब पे हल्का पड़े। तो इसलिए हम जे भी रखने की कोशिश करते हैं, कैनेडियन अगर अच्छी क्वालिटी में, कैनेडियन के जो इस वक्त आ रहा है उसमें दो नंबर माल बहुत आ रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा अवॉइड पर हैं हम लोग, लेकिन कैनेडियन भी हमारे पास मौजूद होता है और लॉन्जी भी मौजूद है, जिनको भी मौजूद है, इसके अलावा हमारे पास एंटीडस भी मौजूद है, एक्सप्लोरर सीरीज भी मौजूद है, जे में हमारे पास बाइफिशियल भी मौजूद है, सिंगल ग्लास खत्म हो चुका है, और जिनको भी हमारे पास इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि रेट जो है वो सेम ही है, मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया कि रेट्स आपको 39 से लेके 42 तक रेट्स आपको मिलेंगे, मतलब ये इन तमाम पैनल्स की जो रेट कम से कम रेट क्या बताया जी, कम से कम 39 आपको मिलेंगे और मैक्सिमम ये 42-42.5 इतने ही अभी रेट मार्केट में चल रहा है। इसके अलावा कोई ड्रास्टिक चेंज आता है या कोई डिमांड हाई होती है तो फिर रेट में फ्लक्चुएशन आ सकती है, वरना रेट इन्हीं रेटों के दरमियान आपको रेट जो है वो अभी फिलहाल 39 से 42 बता रहे हैं जी, इन्हीं के दरमियान आपको तमाम पैनल्स के रेट मिलेंगे, मतलब वेरी कर रहा है रेट, इसी के दरमियान रेट वेरी कर रहा है, इसमें बाइफिशियल और मोनोफिशियल दोनों पैनल जो है वो शामिल है। अच्छा। और जो बाकी जो कस्टमर सिस्टम लगवाते हैं, सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम तो कम से कम रेट में जो है वो मार्केट के कम तरीन रेट में हम उसको पैनल भी दें और इन्वर्टर भी हम उसको रेट टू रेट लगाएं, ये हमारी कोशिश होती है। और इन्वर्टर का भी मैं आपको बता चुका हूँ कौन सा इन्वर्टर बेस्ट है, तो कस्टमर खुदा रहा ये चीज़ भी नज़रसानी करें और दूसरी कंपनीज की तरफ भी जाएं जो वोल्टोनिक पावर का मदरबोर्ड इंस्टॉल करती हैं और अच्छे दूसरे इन्वर्टर से भी फायदा उठाएं, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ इन्वर्टर्स है, तो आज आज मार्केट में सिर्फ इन्वर्टर्स के पीछे लोग भाग रहे हैं, कस्टमर खुद भी इतने वो होते हैं कि उनको पता है कि एक चीज की अगर मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो वो कॉस्ट जाहिर सी बात है आपके जो आपने प्राइस सेट करी है अपने प्रोडक्ट की उसमें ऐड होगी। ठीक है, बस यही है मार्केट में, जिसकी मार्केटिंग हैवी है उसका भले ही मदरबोर्ड सेम हो लेकिन उसकी ब्रांडिंग की वजह से उसकी प्राइस ज्यादा होती है, जो कि कस्टमर तक पहुंचता ही वो जब ही है, कस्टमर जब इतना कस्टमर तक एक ब्रांड रीच आउट होता है तो कस्टमर का भी थोड़ा ये बनता है फर्ज के वो थोड़ी बहुत रिसर्च करे और देखे कि कौन सी चीज़ किसमें इंस्टॉल की जा रही है। अगर इन्वर्टर खुद बनाए तो फिर वो अलहदा बात है, अगर सब कंपनी खुद से अंदर का एक एक चीज़ बनाए तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन अगर इंस्टॉलेशन सेम ही उसकी हुई भी है बोर्ड की तो फिर वो एक डिफरेंट सिनेरियो। अच्छा, तो आप कंप्लीट प्रोवाइड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? हम कंप्लीट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, पैनल्स, इन्वर्टर से लेके इंस्टॉलेशन कंप्लीट, बिल्कुल हमारी टीम है, पूरी अपनी टीम है हमारी। नेट मीटिंग वगैरह करवाते हैं आप लोग? जी जी, नेट मीटिंग करवाती है, हमारे पास एडीपी का लाइसेंस मौजूद है, पीएसआई सर्टिफाइड कंपनी है। अच्छा अच्छा, नेट मीटिंग की हमारे पास परमिशन है और हम हर चीज जो है वो ए ग्रेड लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रेट आपको हो सकता है कंपैरेटिवली इस मार्केट में जो लोग बैठे हैं उनके मुकाबले में हाई मिल सकते हैं आप,
लेकिन देखें एक रेट चीज लगाने में हर चीज की कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। बिल्कुल, डबल कॉस्ट जब वेरी करती है तो उससे फर्क जाहिर सी बात है ओवरऑल कॉस्ट पे जरूर आता है, क्योंकि एक दफा इन्वेस्टमेंट दी है उसमें ऐसा ना हो कि कस्टमर किसी गलत हाथों में चल जाए। तो मतलब अब मैं थर्ड टीयर थ्री का ब्रेकर आपके लगा दूं, टीयर थ्री की वायर लगा दूं, तो उसकी लाइफ 5 साल भी नहीं होगी, हो सकता है वो 2 महीने भी सस्टेन ना करे और इतनी गर्मी और हीट में, और आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो जीरो कर देगा वो। और वही अगर मैं आपसे थोड़े से पैसे ज्यादा लेके अगर आपको टीयर वन चीज लगा दूँ, सबसे अच्छी चीज लगा दूँ, तो आपके सिस्टम की लाइफ भी बढ़ेगी और सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी, और जो बाकी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो भी आपकी जाए नहीं जाएगी। ठीक है सर भाई, इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक ही छत के नीचे मतलब है कि सारे चीज आपको मिल जाएंगी, इन्वर्टर से लेकर पैनल तक जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सारे सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है। ठीक है, और आप कह रहे हैं नेट फिटिंग की बात है, बहुत अच्छी बात हो गई। और रेट्स के वाले से बता दें कि आपके रेट्स कैसे होते हैं, क्योंकि मार्केट में देखिए कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। जी जी, रेट्स के वाले से बताएं कि रेट्स ये हमारे कस्टमर आपको बताएंगे, हमारे रेट बिल्कुल कॉम्पिटेटिव होते हैं। ठीक है, देखिए 20-25 हजार कस्टमर पहुंच रहे होते हैं शॉप से कीमत लेके पहुंच रहे होते हैं। हमारा कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, इसका मतलब यही है कि हम मार्केट में होने के बावजूद कन्वर्जन रेट अच्छा होने का मतलब यही है कि आपका जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा मुनासिब है। क्योंकि देखिए हम मार्केट में हम अगर ज़्यादा रेट हाई एंड पे रखेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ सस्टेन नहीं कर सकते, सर्वाइव करना यहाँ इम्पॉसिबल। ठीक है, एड्रेस बता दीजिएगा जरा एंड में। ठीक है, हमारा एड्रेस है प्रीडी स्ट्रीट मेन रीगल शॉप और ओडियन सेंटर के साथ ही, बिल्कुल आपको एजीएस सोलर का बोर्ड नजर आ जाएगा। एजीएस सोलर, ठीक है। शॉप की टाइमिंग जरा बता दीजिएगा। शॉप की टाइमिंग है सुबह 1 बजे से लेके रात 9 बजे तक। 9 बजे, और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिएगा अपना जरा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर करता हूँ 0323-317-723 और मेरा दूसरा नंबर है 0321-922-9239। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।